लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट, मायसेल्फ दिनेश मेहरा LBS कॉलेज की यूट्यूब चैनल में आज मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। और मैं आज 12th क्लास का एक टॉपिक लेकर आया हूं, ट्रांसफार्मर, जिसमें ट्रांसफार्मर कैसे वर्किंग करता है, उसका क्या सिद्धांत होता है, क्या प्रिंसिपल होता है और किस तरीके से उसका यूज़ किया जाता है और वो क्या वर्किंग करता है, ये आज हम इस टॉपिक में समझेंगे। तो आइए हम देखते हैं आज ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्या करती है, किसी प्रत्यावर्ती वोल्टेज या एसी वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने का काम करती है। मतलब यदि हम किसी सर्किट में, यदि अगर अपन क्या करते हैं कि 440 वोल्ट का करंट आ रहा है और उसको अगर हमें कितने में कन्वर्ट करना है, 10 वोल्ट या 12 वोल्ट में या 6 वोल्ट में, हमारी आवश्यकता अनुसार, वैसा हम इसको ट्रांसफार्मर के द्वारा कर सकते हैं। सपोज जैसे अगर हम किसी ट्रांसफार्मर में यदि अगर हम 220 वोल्ट सप्लाई कहाँ दे रहे हैं, यहाँ पर उसकी प्राथमिक कुंडली में दे रहे हैं। इस ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियाँ होती हैं, एक होती है प्राथमिक जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी कुंडली और दूसरी होती है हमारी द्वितीयक कुंडली जिसको बोलते हैं सेकेंडरी कुंडली। अब ट्रांसफार्मर क्या करता है, जब हम इनकी प्राइमरी कुंडली पर या प्राइमरी वाइंडिंग पर जब हम क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को अप्लाई करते हैं, मतलब जो 220 वोल्टेज है वो हम कहाँ देंगे, प्राइमरी कुंडली पर देंगे, और आउटपुट में जो वोल्टेज हमें कम होकर मिल रहा है वो वोल्टेज हमें कहाँ मिलेगा, आउटपुट में सेकेंडरी कॉइल पर। तो इस तरीके से क्या होता है, इसमें अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है, हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करता है। तो ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज के मान को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब उसमें हम उसकी वैल्यू को, वोल्टेज की, कम या ज़्यादा करने का काम कर सकते हैं। आते हैं, देखते हैं आगे ट्रांसफार्मर के प्रकार। ट्रांसफार्मर हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है अपना ऊंचाई ट्रांसफार्मर और एक होता है अपचाई। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है और ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ये हम देखते हैं। अपचाई ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर होता है, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर होता है जिसके द्वारा हम किसी भी प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम कर सकते हैं। मतलब अगर हमें अधिक वोल्टेज दिया है इनपुट में तो उसको हमें आउटपुट में कम करके चाहिए है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, अपचाई ट्रांसफार्मर का, जो क्या करेगा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को डाउन कर देगा। आइए अब देखते हैं आगे। अब हमारे पास जैसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर होता है जो निम्न विभव वाली प्रबल विद्युत धारा के उच्च मान वाली विभव प्रबल विद्युत धारा में कन्वर्ट कर देता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो अपना निम्न वोल्टेज था, मतलब कम वोल्टेज का एसी वोल्टेज, उसको क्या कर देता है, हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। अब इन ट्रांसफार्मर को बनाने का तरीका भी देख लेते हैं कैसे बनती। इनमें दो कुंडलियाँ होती हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। सपोज जैसे हमारे पास ये एक ट्रांसफार्मर है, इसकी है प्राइमरी कुंडली और ये होती है सेकेंडरी। जब हम 220 वोल्टेज को इसकी प्राइमरी कुंडली पर, प्राइमरी वाइंडिंग पर क्या करते हैं, हम अप्लाई करते हैं, तो यहाँ बीच में क्या होता है, इसकी कोर जो पटलित लोहे की बनाई जाती हैं, ये कोरों में क्या होता है, जब एसी प्रत्यावर्ती धारा चलती है तो उस समय क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता है। मतलब यहाँ पर प्रत्यावर्ती एक विद्युत वाहक बल जनरेट होता है जिसके कारण ये क्रोड जो होता है, ये होता है इसका क्रोड। ये क्रोड क्या होता है, बार बार चुंबकित और विचुंबकित होता है, जिसके कारण इस प्राइमरी कुंडली के कारण चुंबकित विचुंबकित होने का काम करता है। अब यहाँ सेकेंडरी कॉइल में क्या होता है कि सेकेंडरी कॉइल में हमारी बनने लगती है क्या, प्रेरित धारा, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल जनरेट हो जाता है, जो कैसा होता है, जो प्राथमिक कुंडली में दिए गए वोल्टेज से हमेशा कम मिलता है। तो ये हम सेकेंडरी कॉइल के द्वारा क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम 12 वोल्ट या 15 वोल्ट या 9 वोल्ट का आउटपुट हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये होता है अपना कौन सा, स्टेप डाउन, मतलब ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को क्या कर रहा है, कम करने का काम कर रहा है। तो ये कहलाता है अपना प्रत्यावर्ती स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब हम आगे देखते हैं इसमें सेकेंडरी ट्रांसफार्मर हमारे पास कौन सा है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है। मतलब जो हमें निम्न वोल्टेज दिया था उसको हम क्या कर सकते हैं, हाई एसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस ट्रांसफार्मर में क्या होता है, प्राइमरी जो कुंडली होती है उसमें फेरों की संख्या क्या रखते हैं, हम कम रखते हैं, और द्वितीयक कुंडली में क्या रखते हैं, फेरों की संख्या
ज़्यादा, जो हमें निम्न वोल्टेज था वो वोल्टेज हम कहाँ पर देंगे, यहाँ पर देंगे प्राइमरी कुंडली पे, और आउटपुट में हम कितना ले सकते हैं इससे 220 वोल्ट हम आउटपुट में यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो ये इसकी प्राइमरी कॉइल होती है और ये होती है इसकी सेकेंडरी कॉइल। सेम इसकी भी वर्किंग वैसी रहेगी कि क्या होता है जब प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो होती है, वोल्टेज फ्लो होता है, जिसके कारण क्या होता है इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल कहाँ मिलेगा हमें, सेकेंडरी कॉइल पर मिलेगा। अब हम क्या देखते हैं कि जब हमने निम्न वोल्टेज को प्राइमरी कुंडली पर, मतलब ये प्राथमिक कॉइल पर जब अप्लाई किया था, तो आगे हमें सेकेंडरी कॉइल पर क्या मिल रहा है, हमें आउटपुट मिल रहा है, जो कैसा मिल रहा है हमें, बढ़कर मिल रहा है। तो इस तरीके से क्या है अपना, ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर बनाया जाता है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाया जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या रहता है कि ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज को क्या कर देता है अपना, हाई कर देता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की कार्यविधि, ट्रांसफार्मर कहते हैं जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा जाता है तो कुंडली में धारा प्रवाहित होने, मतलब हम क्या करते हैं जब ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी कुंडली रहती है उसको अगर हम क्या करें, वहां पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो हाई वोल्टेज था उसको अगर हम क्या कर दें प्राइमरी कुंडली पर अप्लाई कर दें, तो उस समय क्या होता है कि उसमें अन्योन प्रेरण के कारण क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल जिसको बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल, वो उत्पन्न होने लगता है, जो क्या करता है द्वितीय कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने कारण एक प्रेरित धारा बहने लगती है, और यही धारा हमें कहां पर मिलती है, उसकी सेकेंडरी कॉइल पर मिलती है। तो जब प्रत्यावर्ती धारा के प्रत्येक चक्र में नर्म लोहे का क्रोड बार बार दिशा में तथा दूरी दूसरी दिशा में चुंबकित विचुंबकित होता रहता है, अब द्वितीय कुंडली की प्राथमिक कुंडली के क्रोड से जुड़ी हुई तथा क्रोड को बार बार दूसरी दिशा में विचुंबकित होने के कारण फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, लगातार चेंज होता रहता है। अब ये चुंबकीय फ्लक्स के लगातार चेंज होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर हमें जो प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज मिलता है वो भी कैसा मिलता है, प्रत्यावर्ती टाइप का मिलता है, बार बार चुंबकित विचुंबकित होने के कारण वो कैसा मिलता है, अल्टरनेटिंग टाइप का, ये जिसको बोलते हैं अपन प्रत्यावर्ती। अब हमने माना कि किसी भी ट्रांसफार्मर, सपोज हमारे पास कोई भी एक ट्रांसफार्मर ले सकते हैं हम, सपोज हमने ले लिया ये, ये इसकी प्राइमरी कॉइल और ये सेकेंडरी कॉइल। माना हमारे पास कि प्राथमिक एवं द्वितीयक तारों में फेरों की संख्या क्या है, एन एस है, पहले वाले में एन पी और दूसरे वाले में एन एस। मान लीजिए प्राइमरी कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, एन एस है, एन पी है, और सेकेंडरी में कितनी है, एन एस। तो एन पी हमने प्राथमिक कुंडली की बता दी और एन एस हमने बता दी सेकेंडरी कुंडली। अब इसके कारण जब प्राथमिक कुंडली में हमने क्या करा, प्रतिवर्ती धारा या वोल्टेज को अपन ने अप्लाई किया, तो उस समय क्या हुआ, एक चुंबकीय फ्लक्स जनरेट हुआ जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फाई वी बोल रहे हैं। अब प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल वो कितना हो जाएगा, ई पी इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन में डी टी होगा, तथा द्वितीय कुंडली में जो प्रेरित होने वाला विद्युत वाहक बल है वो कितना मिल रहा है हमारे पास, वो मिल रहा है ई एस इक्वल टू माइनस एन एस डी फाई अपॉन में डी टी। अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे, मतलब इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, ट्रांसफार्मर रेशियो। तो वो ट्रांसफार्मर रेशियो जो होता है वो क्या होता है हमारे पास कि एन पी अपॉन में एन एस, मतलब हम क्या करेंगे, एन पी अपॉन में एन एस, मतलब यहां पे हमें मिल रहा है क्या, एन पी अपॉन में एन एस। तो एन पी की वैल्यू रखें जैसे अपन है ई पी अपॉन में ई एस, तो ई पी अपॉन में ई एस, मतलब हम क्या कर दें, एन माइनस एन पी डी फाई अपॉन में बी डी टी अपॉन में माइनस एन एस डी फाई बी अपॉन में डी टी, इससे कट जाएगा। तो ई पी अपॉन में ई एस इक्वल टू मिलेगा हमें यहाँ पर एन पी अपॉन में एन एस, माइनस साइन से माइनस साइन, तो ई पी अपॉन में ई एस इक्वल टू एन पी अपॉन में एन एस, ये हमें मिलता है ट्रांसफार्मर रेशियो, या इसको बोलते हैं अपन ट्रांसफार्मर का अनुपात बोलते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, ट्रांसफार्मर रेशियो को भी फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं आगे
ट्रांसफार्मर के उपयोग, ट्रांसफार्मर का क्या उपयोग है, ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ किया जाता है, ट्रांसफार्मर का उपयोग अन्य स्थानों पर किया जाता है, जैसे बिजली घरों में उत्पन्न विद्युत ऊर्जा को शहरों में तार के द्वारा ट्रांसफार्मर से अपन भेजते हैं। मतलब जब यहाँ पर कहीं पर जैसे ट्रांसफार्मर के द्वारा क्या करते हैं, हम प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करने का काम करते हैं, ट्रांसमिशन करने का काम करते हैं। उसके बाद एक नोट कि आदर्श ट्रांसफार्मर वही है जिसकी प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली का प्रतिरोध कितना होता है, शून्य होता है और प्रोड में कोई ऊर्जा की हानि नहीं होती। मतलब एक आइडियल ट्रांसफार्मर की बात की जाए तो आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है कि वह ट्रांसफार्मर जिसकी प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में प्रतिरोध कैसा हो, शून्य हो, मतलब जिसका रेजिस्टेंस हमेशा जीरो होना चाहिए और जिसके कोर में कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है अपना क्या, आदर्श ट्रांसफार्मर, जिसको बोलते हैं अपन आइडियल ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में हानि, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानि मुख्य कारण होता है उसके कुंडली का ताप और भंवर धाराओं का उत्पन्न होना। मतलब जब हम ट्रांसफार्मर में किसी प्रत्यावर्ती धारा को जब हम क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं या प्रत्यावर्ती वोल्टेज को हम प्रवाहित करते हैं, तो उस समय क्या होता है उसकी कुंडली जो बनी रहती है वो तांबे के तारों की बनी होती है, जिसके कारण क्या होती है जब किसी भी सर्किट में जब धारा बहती है तो उसमें क्या होने लगती है, उसके तारों में एक हीट जनरेट होने लगती। उस हीट के कारण क्या होता है, कुछ ना कुछ भाग वोल्टेज या धारा का क्या हो जाता है, वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है उसका तापमान बढ़ जाता है। और इसी कारण से ट्रांसफार्मर में क्या होता है, कुंडलियों पर भी लॉस होता है, जिसको बोलते हैं हम कॉपर लॉस बोलते हैं। और कुछ जगह पर क्या होता है, तापमान के कारण क्या होता है, वोल्टेज अपना डाउन होने लगता है और भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। कभी कभी क्या होता है कि ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन भी करता है, साउंड भी जनरेट करता है। तो ये सब जो अपना ट्रांसफार्मर वोल्टेज था वो वोल्टेज किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, अदर दूसरी एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाता है, जो क्या कहलाता है, ट्रांसफार्मर लॉस कहलाता है। तो थैंक यू, आज हमने क्या देखा कि ट्रांसफार्मर, कि ट्रांसफार्मर किस तरीके से वर्क करता है, उसकी वर्किंग क्या होती है, किस सिद्धांत पे काम करता है, उसका क्या यूजेस है और उसमें क्या क्या लॉसेस हैं।